देवेंद्र कादियान जी वो जो कह रहे हैं हमें हम खदरे को खरीद लेंगे, हमने खदरा खरीदा है तो सिर्फ प्यार से खरीदा है। गन्नौर को क्या चाहिए? देवेंद्र कौशिक चाहिए और देवेंद्र कौशिक को बहुत सारे बहुमत से बना के चंडीगढ़ कैबिनेट में बिठाएंगे। निर्मल जी ने भी सिलेंडर उठाया था, निर्मल जी थक गए, फेंके मारा जा निकम में तू उठा ले। भाई अपने घर चला जाए, आराम से उस सिलेंडर पे रोटी बनाए और खाए, क्योंकि उसमें रेगुलेटर तो है ही नहीं। किसान का बेटा 4-4 करोड़ की गाड़ियों में चलता है, वो किसान का बेटा है। 17-17 उनके ढाबे होते हैं, वो गरीब किसान का बेटा है। अब जो उसका सिलेंडर है वो लीक हो चुका है। लीक हो गया? हाँ, अब ब्लास्ट होना बाकी है। उस ब्लास्ट में वो खुद ही जलने वाला है। एम्बुलेंस चलाई है, उसमें सिर्फ दारू ढोने का काम करता है, पेशेंट नहीं ढोता है वो। ऐसा है? और क्या। मैम क्या नाम हुआ आपका? अनीता। इतना जोश कैसे आ रहा है? भाई अपनी भाजपा को देख के, भगवा रंग को देख के जोश तो नेचुरल है आना। लेकिन भगवा पर तो बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं अक्सर विरोधी पार्टियों के द्वारा। विरोधी पार्टी तो बकबक करने की, वो विरोधियों की तो आदत होती है जी। तो हमारा भाजपा है, हमारा देवेंद्र कौशिक है, कमल का फूल खिलेगा, देवेंद्र कौशिक को हम चंडीगढ़ भिजवाएंगे। देखो कितना बड़ा जन समुदाय आया हुआ है, ये उनकी सपोर्ट में तो आया हुआ है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, एक प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि ये तो भू माफिया है। जो आरोप लगा रहे हैं वो जो गरीब किसान का बेटा है, वो जो आरोप लगा रहा है कि हम भू माफिया हैं, वो उसने क्या पता हम भू माफिया हैं। वो तो ये भी खुद कहता है कि वो 100 करोड़ में टिकट लेके आए हैं। जब गरीब किसान का बेटा 4-4 करोड़ की गाड़ियों में चलता है, वो किसान का बेटा है। 17-17 उनके ढाबे होते हैं, वो गरीब किसान का बेटा है। और उनके 200 एकड़ जमीन उनकी जयपुर में है, वो गरीब किसान का बेटा है। और वो गरीब किसान का बेटा जो युवा को नशे की लिप्त में डाल रहा है, वो गरीब किसान का बेटा है। और हम पे आरोप लगाता कि हम भू माफिया हैं, हम 100 करोड़ में टिकट लेके आए हैं। क्या उन्होंने हमारे को चेक साइन करके दिया था जो हमने ऊपर भिजवा दिया, या पैसे का बोरा ला के दिया था, हमारे साथ में गया था, और जो कह रहे हैं कि हम 100 करोड़ रुपये दे के आए हैं। वो जो कह रहा है युवा नेता हमारा देवेंद्र कादियान जी, वो जो कह रहे हैं हमें हम खदरे को खरीद लेंगे। हम 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, कभी हमने खदरा खरीदा है? हमने खदरा खरीदा है तो सिर्फ प्यार से खरीदा है, और प्यार से सारा खदरा हमारी तरफ है। भरोसा है? भरोसा है, भरोसा है, तभी तो इतना बड़ा जन समुदाय आप देख रहे हो। मोदी जी की आपने रैली देखी है तो वोट साइलेंट नहीं, अब उभर के आई हुई है। अब जो उसका सिलेंडर है वो लीक हो चुका है। लीक हो गया? हाँ, अब ब्लास्ट होना बाकी है। उस ब्लास्ट में वो खुद ही जलने वाला है। क्या बोलता, हमारे बच्चे पूछते हैं पापा को टिकट मिली ना मिली, हम बगैर बच्चों वाले हैं क्या? हमारे बच्चे नहीं पूछेंगे हमारे से टिकट ना मिली? तो वो क्या बातें करता, उसको बोलने की सेंस नहीं है, ऐसे चिल्लाता भां 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 करके। वो गरीब किसान का बेटा है, उसमें बोलने की सेंस उसमें है नहीं। बोला इस बार तो इलाज कर दूंगा। अब वो क्या इलाज करेगा, ये जो जनता है वो ही उसका इलाज कर देगी? वो तो खुद बीमार है, वो अपना इलाज करवा ले जाके। वोट काटू नहीं हूँ मैं, रोग काटू हूँ। वो रोग काटू है, रोग काटने वाली तो ये देखो हमारी जनता है। वो जाके अपना किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा ले। एक और नारा दिया उन्होंने, गन्नौर में होगा न्याय। कौन सा न्याय? क्या उसने क्या अन्याय था ही नहीं जो न्याय होगा जी। न्याय तो ये 35 साल से चला आ रहा है, और उसका मानना जनता करेगी भी न्याय। तो जनता देख लो, आप जनता जनार्दन आपके साथ में खड़ी है, हमारी मातृशक्ति खड़ी है, हमारे युवा नेता साथ में खड़े हैं, हमारी नारी शक्ति खड़ी है, ये न्याय करेंगी। कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा के साथ में गारंटी दी कि हम आप जैसी महिलाओं को सबको 2-2 हज़ार रुपये महीने देंगे, किसानों को MSP की गारंटी देंगे, महिलाओं के साथ में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको 6,000 पेंशन देंगे। जो 10 साल पहले उनका राज था, कौन सी घोषणा उन्होंने बना दी, सबको गरीब बना के रख दिया उन्होंने। हमारे जो भाजपा के नेता मोदी जो सरकार है हमारी, उनसे पूछो एक बार आप जाके। मोदी पे भरोसा है? बिल्कुल मोदी पे भरोसा है। ये मोदी के नाम पे 56 इंच का कैसे हो जाता है? ये 56 इंच का सीना मोदी जी का नहीं, जो मोदी जी के सपोर्टर सबका 56 इंच का सीना है, सबका 56 इंच का सीना है। आपको गर्व होता है कि आप मोदी के परिवार से हैं? हाँ, हमें बहुत गर्व होता है मोदी जी के परिवार से। 35 साल से हम राजनीति में है, मोदी जी के साथ है। युवा राहुल गांधी को देखना नहीं चाहते?
वो तो टक टक उसको तो ऐसे चलता है वो तो खटाखट करने से आलू से तो वो सोना बना देता है। आपको नहीं चाहिए? नहीं हमें मशीन नहीं चाहिए। नहीं 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 हमें ऐसी मशीन नहीं चाहिए, हमें मशीन चाहिए मेहनत करने वाले बच्चों के। हमारे बीजेपी की सरकार में कितने बच्चों को बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी लगी है, उन्होंने क्या कर दिया, पोटली बांधी और साइड में रख दी, सुबह लिस्ट दे दी, चल भाई तेरी नौकरी। कोई भी बता दो मोदी जी के सरकार में बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी लगी है उनकी, आप पूछ सकते हैं। देखो दो बच्चे तो हमारे परिवार में भी लगे हैं, क्या बात करते हो भैया, खुश घूम रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक और उन्होंने कहा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछले 8 साल में एक तब्दीली लाई है, बड़ा समाज सेवा किया है मैंने। वो उसको खुद ही शिक्षा से जुड़ा नहीं है, वो तो शिक्षा कहाँ देगा, वो जो शिक्षा वाले एजुकेटेड, हाँ जो एम्बुलेंस चलाई है उसमें सिर्फ दारू ढोने का काम करता है, पेशेंट नहीं ढोता है वो, ऐसा है और क्या। जो निर्मल चौधरी जी हमारी भाजपा की MLA, उन्होंने कॉलेज बनवाया है शिक्षा का, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा देने का काम उन्होंने किया है। निर्मल चौधरी को तो कई सारे आरोप लगाए हैं। नहीं, निर्मल चौधरी जी पे आरोप लगाए हैं कि एक हमारी ऐसी विधायिका हमने देखी जो भात भरवा के चली गई। आप भी एक भाई हो, आप भाई होने के नाते क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी बहन का भात ना भरे, कभी आपने देखा है? अगर उसने बहन निर्मल चौधरी को 25 पैसे भी अगर दिए हैं तो निर्मल चौधरी हम लोग भी उसको 25 कई गुना लौटाने को तैयार हैं। जो विधायिका नहीं होती जी। तो वो उनके बच्चे शादी नहीं होते उनके, क्या रंडे रखते हैं वो अपने? जो विधायिका नहीं होती, जो MP नहीं होते, वो अपने बच्चों की शादी नहीं करते, तो ये क्या बोलता है? गन्नौर की जनता उनसे हिसाब मांग रही है, वो गांव में नहीं आ रही है, चेहरा छुपाए घूम रही है। कौन छिपा के घूमती है निर्मल जी? ऐसा वो कह रहे हैं, उनको कहने का क्या है, ये तो बेतुकी बातें होती है। अभी आपके सामने निर्मल चौधरी ने जो बयान दिया था आपने नहीं सुना? आप कहाँ थे उस टाइम पे? नहीं पढ़ता भाई। तो फिर आपने सुना नहीं? वो कह रही थी कि गुलाम, क्या शब्द होता गुलाम, ये एजुकेटेड है वो जो शिक्षा की बात कर रहा है और निर्मल जी को वो गुलाम बोलता है, तो वो एजुकेटेड है? तो खुद एजुकेटेड तो है नहीं, वो दुनिया को क्या करवाएगा। मोदी जी हाल ही में सोनीपत आए तो उन्होंने एक बड़ी बात कही कि कांग्रेस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ऐसा लगता है? अब अठावले जी बोल रहे थे उसका पन्ना साफ कर देंगे, तो उस टाइम आप कहाँ थे? जी जी बताओ, तो उसका तो पन्ना साफ हो गया है। वो बड़े बड़े बैलून देख रहे हो ना आप, ये गन्नौर में चल रहे, इतने बड़े बड़े बैलून चल रहे हैं, तो उसका क्या 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 मतलब निकाल रहे हो बैलून का? वो उसका मतलब ये है, ऊपर चढ़ के कह रहा है इसको वोट मत देना, मैं तो उड़ चुका हूँ। जो युवा नेता वो इंडिपेंडेंट जो लड़ चुके हैं उनका भी बड़ा सारा बैलून हमें दिख रहा है, वो कह रहा है मेरा सिलेंडर लीक हो चुका है, कभी भी ब्लास्ट हो जाएगा तो मेरे से तुम दूर चले जाओ, और जो BJP पार्टी है कमल के फूल को खिलाओ। उन्होंने एक और बात की कि भाजपा के प्रत्याशी जो हैं वो एक उद्योगपति हैं, 5 साल अपना व्यापार करते हैं, उसके बाद 3 महीने पहले हवाई यात्रा से आते हैं, हवाई जहाज की तरह आते हैं और फिर जीत के चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं आप उनसे पूछो, कहाँ चले जाते हैं? जो अब तो ये एक हलका है, वो 9 हलकों से जीते हैं, 9 हलके वाले ये बता दो कि 3 महीने बाद कौन से प्लेन में कौन सा दुबई उनका उद्योग है, वो कहाँ चले जाते हैं आप पूछिए उनसे। जो आरोप लगा रहे हैं, फिर एक बार वही सवाल, गन्नौर को क्या चाहिए? BJP चाहिए, देवेंद्र कौशिक चाहिए, और देवेंद्र कौशिक को बहुत सारे बहुमत से बना के चंडीगढ़ कैबिनेट में बिठाएंगे, भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, ये पूरी तैयारी एकदम। चीन से सामान बना के ले आए हैं, खाने पीने का कुछ? अरे हम तो जहाँ जाते हैं सामान खुद में कुछ चलता है, महिलाएं हम बनाने वाली भी और खिलाने वाली भी। लेकिन बिना सिलेंडर काम चल जाएगा? अरे उस सिलेंडर में पाइप ना रेगुलेटर डायरेक्ट पाइप की फिटिंग करवा रखी है सिलेंडर, और क्या, हमने तो सिलेंडर छोड़े हुए कितने साल हो गए हैं, अब वो तो ब्लास्ट हो चुका है। लीर में निर्मल जी ने भी सिलेंडर उठाया था, निर्मल जी थक गई फेंक के मारा, जा निकम्मे तू उठा ले, निर्मल जी ने भी तो उठाया था,
सिलेंडर को लोग पसंद नहीं करते। 5 में निर्मल जी का इंडिपेंडेंट थी, उनको भी सिलेंडर का निशान मिला था, वो 15 साल बाद होश में आई। अब ये भाई मुझे नहीं लगता कि होश में आएगा, हमें नहीं लगता कि ये होश में आएगा। नशीली गैस, ये युवा नेताओं को भी नशीली गैस देता है और खुद भी नशीली गैस लेता है, तो क्या सोचता है ये? बौखला गया भाई, वो बौखला गया है। आप देखते नहीं, हाँ हूँ ऐसे करता है जैसे पागल हो गया हो, नहीं लगता आपको? अरे वो पता है, पहली बार भी बोलता था मेरी टिकट कट गया, 3 महीने उसने पागल के खाने में दवाई खाई। अब मेरे को लगता नहीं भाई वो ठीक होएगा, उसके खिलाफ मत बुलवाओ, अगर उसको कुछ हो गया ना उसका बाप जीते जी मर जाएगा। अब तो बोल रहा है मेरा बाप हॉस्पिटल में, क्यों हमारे से बुरा करवा रहे हो भाई? उसको बचा लो, उसको सिर्फ इतना ही काम कह दो भाई, अपने घर चला जाए, आराम से उस सिलेंडर पे रोटी बनाए और खाए, क्योंकि उसमें रेगुलेटर तो है ही नहीं। वो बचाना किस लिए है? मर जाएगा तो रोलेगा बैठ के, और क्या होगा है? और क्या है? तो गैस सिलेंडर की ऐसी जहरीली हवा थी, अब कमल का फूल ही बचा सकता लोगों को, और कोई नहीं बचा सकता। उसी के खुशबू बचाएगी। उसी क्या कह रहे हैं कि मोदी का जादू नहीं चल रहा है, मोदी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। मोदी जी का सुपड़ा साफ होता तो भी तीसरी बार क्यों आए? वो कह रहे थे चौथी बार भी आएगा, पांचवी बार भी आएगा, और अठावली जैसे मंत्री भी बार बार बनते रहेंगे। हरियाणा में मोदी का जादू चल रहा है अभी? अरे जादू चल रहा है, तो वो कहते हैं कि उसकी टिकट कटी। कहाँ टिकट कटी? टिकट कटी तो निर्मल जी की कटी है, उनकी कहाँ टिकट कटी है? उनकी टिकट कहाँ कटी है? निर्मल जी की टिकट कटी है। को भी अब योगी जैसा राज चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जैसा राज चाहिए, राज आने वाला है। हाँ वे अभी आने वाला, अब वो भाई जो में हमारा युवा नेता है निर्दलीय, अब एक बार उससे पूछिए, आराम से बैठ के बात करिए भाई, कौन से हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए भाई, अपना इलाज कराना चाहिए। अब ऐसे ही सिलेंडर लीक करता रहेगा तो बेटा बहुत हार्मफुल है ये। जी योगी जैसा राज चाहिए? बिल्कुल चाहिए, और आ गया है अभी तो। जी हाँ जी बिल्कुल, योगी जैसा राज। जो सीटिंग MLA है उसके खिलाफ एक महिला हो, उसको इतना बद्दा प्रदर्शन करता हो, क्या हमारी सुरक्षा कर पाएगा? हम अपनी सुरक्षा ऐसे हाथों में दे सकते हैं? जो एक सीटिंग MLA की इज्जत नहीं कर पाता, वो भी एक महिला है, तो हमारी कैसे हम उस पर सुरक्षा? कहना चाह रही थी कुछ कह रहे हो तो, कल भी गांव में तो लड़ाई कर रहा था, उन्हें झंडा ले लेकर नाच रहा था हमारे बार ना, गाड़ी डटवा के हमने तो अपने बच्चे भीतर रोक लिए, कहते इसे नहीं बाढ़ धो दें घेर कर उससे कह दिया हमने, माँ भाई तू चले जाता नहीं, यो ये गाँव पा रहा है और कोई गाँव नहीं है, उड़े 5-5 चक्कर काट रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये महिलाएं हैं गन्नौर की महिलाएं हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कमल का फूल आओगा भाई गन्नौर में, तो वैसे भी हम पक्का कमल का फूल खिलाएंगे। इसकी सुनो जी, बोलिए इसकी, इनका बेटा रात को शराब पी के वो उड़दंग मचाता है, वो उसको शराब पिलाता है, और इसकी माँ हमारे साथ वोट मांगती है, इसलिए वो मतलब शराब पी के इतनी उड़दंग मचाता है कि रात को मैंने खुद 12:30 बजे 112 डायल 112 किया, जब उसको शांत करके गए, जब ये मियाँ बीबी रात को आराम से सोए और सुबह उठ के वो फिर ये पूछो, सच्ची बात है ये नहीं है, पीता है ना पीता है, ड्रामे करता है ना करता है, सिर्फ इसीलिए। वो एक बात बताओ, जवान बच्चों को नशे में धकेल रहा है, मैं उसको अपनी सुरक्षा कैसे दे सकती हूँ? ये महिला नहीं है क्या? इस महिला को सुरक्षा नहीं मिली, तो हमें अब सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा मोदी दे सकता है, ये हमारा देवेंद्र कौशिक दे सकता है, इसीलिए हमने कौशिक को माना। अगर हमारे मोदी जी किसी को भी टिकट देते, जिसको भी देते, हम उसको दिल से सपोर्ट करते, क्योंकि वो खुद भी नशे की दवाई खावा है, खुद नशेड़ी है, और बच्चा ना युवा नेता ना खराब करने लग रहा है, तो हम कैसे देते भाई? तो हम कैसे वोट देंगे, कैसे उसके साथ चलेंगे? ठीक है ना, जब हम लेडीज अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो गुंडा राज आ गया तो लेडीज क्या करेंगे बताओ हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद, ये महिलाओं का आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन गन्नौर को क्या चाहिए वक्त बताएगा, परिणाम बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।